ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 8 जो कि है Mathematical Induction and Binomial Theorem. इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है हमारा Binomial Theorem और इससे हम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे और सेकंड है जी Characteristics of the Binomial Expansion. तो अब इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं जी. जी स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला एमसीक्यू है द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 21st टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y रेज़ टू द पावर 23 इज. यहां पर सिर्फ 20 जो फर्स्ट टर्म है उसके हवाले से बात की जा रही है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा. ठीक है, यानी t टर्म 21st. ठीक है, ये बेसिकली इसमें कोफिशिएंट को हमने फाइंड आउट करना है. अब देखें हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला है जिसमें हम टी आर प्लस वन लिखते हैं ये इक्वल टू होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें आता है एन सी आर. ठीक है, फिर ए पावर एन माइनस आर आती है और बी पावर आर आती है. हमें सिर्फ इस कोफिशिएंट की बात करनी है, हमें एन सी आर की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर 21 की बात की जा रही है तो इसका मतलब कि इसमें हम इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 1 तो 21st टर्म आ जाएगी. इसका मतलब r जो है इस केस में वो कितना है 20 है. ठीक है, अब अगर हम 20 r की वैल्यू पुट करते हैं और n 23 है इसमें. ठीक है, तो हमारे पास 23c20 की वैल्यू जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करनी है इसमें. ठीक है, जो कि इक्वल होगी 23 फैक्टोरियल. ठीक है, ओवर 20 फैक्टोरियल और 23 माइनस 23 फैक्टोरियल जो होता है. अब ये 23 फैक्टोरियल हम जानते हैं किसके बराबर होता है जी, 23 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20 इसी तरह 19 18. तो मैं इसको 20 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल ही है और 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख. अब ये 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 7 टाइम होता है 21 और 2 11 टाइम होता है 22. ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई किया जाए, अगर यहाँ से कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं कि अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से. ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा जवाब आता है 177 यानी 1771 ऑप्शन ए में अवेलेबल है. इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो तमाम ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा. सेकंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. इसकी स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 7 इज. अब हमें पता है कि जो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होता है, ठीक है, जिसमें कि एन सी जीरो से हम स्टार्ट लेते हैं प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू. ठीक है, और प्लस सो ऑन और इसमें हम इसको लिखते हैं इसकी लास्ट टर्म तक एन सी एन तक. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है जी, ये 2 पावर एन के इक्वल होता है. ठीक है, इसको फिर हम वन मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो n है हमारे पास वो 7, 2 पावर 7 बेसिकली ये सम है ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन जिसकी 8 टर्म्स. क्योंकि अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जो एक्सपोनेंट अगर वो 7 होगी तो उसकी टर्म की तादाद 8 होती है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर 7 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से ये 7 टाइम आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये बनता है जी 64, बल्कि ये 5 दफा मल्टीप्लाई 32 फिर 64 और फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 128 बनता है, 128. तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे वो इस एमसीक्यू का एक बेस्ट ऑप्शन होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. इसकी स्टेटमेंट ये है कि द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x और इसकी पावर है रेज़ टू द पावर है 1 बाय 3. अब हमने इसकी थर्ड टर्म बतानी है कि उसमें हमारे पास क्या जवाब आएगा. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो
बाइनोमियल थ्योरम है जिस वक्त इंडेक्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होते, जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास कुछ यूं आता है कि टी आर जो है प्लस वन ये इक्वल टू होता है जी एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन एन माइनस टू और सो ऑन एन माइनस आर माइनस वन तक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसमें हम करते हैं सर डिवाइड करते हैं जी आर फैक्टोरियल से, ठीक है, और इनटू जो एक्स है उसकी पावर ले लेते हैं आर, क्योंकि मैं इसे अब वन प्लस एक्स की पावर जो है वो एन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा एक्स जो है वो सिक्स ओवर एक्स है, ठीक है, ये एक्स है हमारा। तो अब देखिए इसमें जब हम ये बात लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें एन क्या है, एन है वन बाय थ्री, ठीक है, और इसमें टर्म नंबर कौन सी कही जा रही है, थ्री, यानी टी थ्री का मतलब है कि जो इसमें आर होगा वो कितना होगा, टू होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में आर की वैल्यू टू पुट करेंगे हम, तो टी थ्री इज इक्वल टू टू, सॉरी ये मतलब एन की वैल्यू तो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, फिर वन बाय थ्री में से चूंकि आर माइनस वन, आर माइनस वन वन बनता है, तो सिर्फ इसमें वन बाय थ्री माइनस वन ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल जो कि टू है, तो टू फैक्टोरियल आएगा इनटू एक्स जो कि सिक्स ओवर एक्स है, और इसकी पावर जो है वो आर आएगी जो कि टू है, ठीक है। अभी से हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। देखिए इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करें तो वन बाय थ्री, और यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये वन में से थ्री माइनस करें तो माइनस टू बाय थ्री आएगा, माइनस टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल जो टू ही होता है, और वो इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास है सिक्स, इसका स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स और एक्स स्क्वायर। अब देखें ये थ्री और थ्री, ये नाइन होते हैं, और नाइन हम जानते हैं फोर टाइम थर्टी सिक्स होता है, ये फोर आ गया विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव फोर ओवर एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, इसलिए यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप ऑप्शन देखें तो वो बिल्कुल इसके हिसाब से रॉन्ग है, इसलिए हम ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, इसमें हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप टर्म नंबर देखें तो ये बाइनोमियल जो मतलब कोफिशिएंट है ये सेकंड टर्म का है, ठीक है, एन सी, बल्कि इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ जी। जी ये आप देख सकते हैं कि ये एन सी वन जो है ये हमारे पास सेकेंड टर्म का कोफिशियंट है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशियंट, ये हमारे पास फोर्थ टर्म का, ये सिक्स टर्म का है, इसी तरह से सो ऑन अगर हम चलते रहें, ठीक है, तो हमारे पास ये मतलब जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उसका कोफिशियंट, और ये तमाम इवन कोफिशियंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम इवन कोफिशियंट्स का सम करते हैं तो ये हमने इसको ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ये टू पावर एन माइनस वन के बराबर होता है, और इसको हम जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी फर्ज करें मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें एन की वैल्यू को पुट कर लेता हूँ टू, ठीक है, और देखता हूँ कि ये वेरीफाई होता है या नहीं, तो इसमें देखें एन अगर टू लिखा जाए तो टू सी वन, ठीक है, और प्लस टू सी फिर जो है वो अगर टू सी वन ही आएगा क्योंकि एन माइनस वन फिर वन ही बनता है, ठीक है, और इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये टू फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल और टू माइनस वन वन होता है वन फैक्टोरियल, इसका जवाब टू फैक्टोरियल टू और वन फैक्टोरियल वन होता है टू ओवर वन, यानी टू आ जाएगा, जबकि इस रिलेशन में भी अगर एन की वैल्यू टू पुट की जाए तो ये टू पावर टू माइनस वन वन होता है, टू पावर वन टू है, जबकि इसमें अगर एन की वैल्यू टू पुट की जाए तो ये फोर हो जाता है, इसमें अगर टू पुट करें तो टू पावर फोर सॉरी टू पावर टू फोर, फोर में से वन माइनस करें इसका आंसर थ्री आता है, जबकि इसमें टू पावर टू फोर और प्लस वन ये फाइव आता है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा जो है यहाँ पर वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ टू आर प्लस फोर्थ एंड आर माइनस टू टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू द पावर 18 आर इक्वल, देन आर की क्या वैल्यू होगी। बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम यूं देखें कि जो हमारे पास टर्म नंबर बनती है टू आर प्लस फोर्थ टर्म, जैसे अगर मैं टर्म थ्री की बात करता हूँ तो इसमें जनरल टर्म फार्मूला में r प्लस वन लिखूंगा और इसमें मैं पुट करूंगा r की वैल्यू को 2
टू, ठीक है, यानी आर प्लस वन को अगर हम थ्री के इक्वल पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आती है थ्री माइनस वन, जो के फिर कितनी बन जाती है जी, टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर की वैल्यू जो यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो इसमें जो हमारे पास आर ही की हमने बेसिकली वैल्यू जो है वो बतानी है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि इनके जो कोफिशियंट्स हैं वो बराबर है, ठीक है, यानी आर, अब हम इस बात को यूं अस्यूम कर सकते हैं कि जो टर्म नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका जो कोफिशियंट बनेगा, ठीक है, जैसे हम जनरल टर्म फार्मूला में जब पी आर प्लस वन लिखते हैं तो हमारे पास आता है एन सी आर, ठीक है, जो भी ए है हमारे पास एक्सप्रेशन उसकी पावर आती है एन माइनस आर और बी की पावर आती है आर, ठीक है। तो ये बेसिकली कोफिशियंट है इस टर्म का। अब अगर इस टर्म की बात की जाए तो इस पर टू आर प्लस फोर अगर लिखा तो उससे एक कम होगी आर की वैल्यू, यानी हम इसमें लिखेंगे एन, चूंकि इसमें एटीन है तो हम लिखेंगे एटीन सी टू आर प्लस थ्री, ठीक है, ये इसका कोफिशियंट होगा इस टर्म का जो कि टू आर प्लस फोर्थ टर्म है, और ये कोफिशियंट बराबर है इसकी आर माइनस टू टर्म के, तो इसमें भी एन की वैल्यू 18 ही है, ठीक है, मतलब, और इसमें जो आर माइनस टू टर्म है इसमें हम यहाँ पर जो आर लिखेंगे वो आर माइनस टू से एक लेस लिखेंगे, यानी आर माइनस टू माइनस वन, तो आर माइनस थ्री बन जाएगा, आर माइनस थ्री बन जाएगा। अब ये हमारे पास कोफिशियंट्स है। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर वो आर की कौन सी वैल्यू है जो कि इधर लिखने से लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाती है, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम जरा इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 11 पुट करें तो ये तो 18 सी 25 बन जाता है, जो कि रॉन्ग है, मतलब ये वैल्यू जो होती है हमारे पास ये एन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 पुट करें तो ये 16 प्लस 3 19 बन जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, और 16 पुट करें तब भी रॉन्ग। 6 पुट करते हैं, ठीक है, इसमें हम पुट कर लेते हैं आर इक्वल टू 6 और इस पर चेक करते हैं। देखिए, जब हम आर 18 लिखेंगे और यहाँ पर आर की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 आर से मल्टीप्लाई होकर 12 प्लस 3 15 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा जी, 18 सी आर में से 3 माइनस करें 3। अब ये देखें, इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर है, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल, और 18 में से 15 माइनस करें 3 फैक्टोरियल आता है, इसी तरह 18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 18 में से 3 माइनस करें 15 फैक्टोरियल, यानी इसकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर है। और वैसे भी हमने जो रूल है उसके हिसाब से भी देखा था कि तीनों वैल्यूज गलत आ रही थी, सिर्फ सी वाला ऑप्शन जो है पॉसिबल ऑप्शन बन रहा था, तो इसलिए यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है जी, वो माइनस 3 आ रही है। तो अब ये हमने देखना है कि आखिर इसमें क्या होगा जो कोफिशियंट बनेगा एक्स पावर 100 का। जी स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल टर्म फार्मूला को दफा यहाँ पे रिवाइज करें, ठीक है, जिसमें कि हमने कहा था जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो उसमें पी आर प्लस वन यानी जो टर्म होगी वो किसके इक्वल आई थी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इसी तरह सो ऑन एन माइनस आर माइनस वन तक, ये प्रोडक्ट आना था डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर आर। अब याद रखें कि इसमें जो आर है वो हम अगर 100 रखेंगे तो ये एक्स पावर 100 बनेगी, ठीक है, यानी इसका मतलब इधर हमारे पास जो टर्म की बात की जा रही है वो 101 टर्म की बात की जा रही है, ठीक है, आर की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 100, तो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब एन कितना है माइनस 3 है, देखिए माइनस 3 फिर माइनस 3 में से एक कम कर लें माइनस 4 आ जाएगा, फिर माइनस 5 आ जाएगा, इसी तरह सो ऑन, यहाँ पे माइनस 3 और माइनस, और ये आर कितना है जी 100 है, ठीक है, 100 में से 1 माइनस के 19 है तो ये बनता है माइनस 102, ठीक है, माइनस में 102 और इनटू एक्स पावर 100। अब ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली कोफिशियंट है इस टर्म का, जो कि अभी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि
जब नेगेटिव नंबर्स को इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब पॉजिटिव आता है, और 102 तक अगर आप देखें तो ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इनकी अगर काउंटिंग की जाए तो ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारा जो जवाब है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। यानी इसको मैं अब ल्यू लिख सकता हूँ, 3 × 4 × 5 × 6 × 102, ठीक है, ओवर 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। देखें, अगर मैं इसमें खुद से 2 और 1 मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 2 और 1 से डिवाइड भी कर दूं तो ये 102 का फैक्टोरियल मुकम्मल हो जाता है। इसको मैं 102 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जबकि ये 2 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ इस तरीके से कि यहाँ पे 102 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेते हैं, 102 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 100 फिर 99 फिर 98, तो उसे मैं 100 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है और ये 100 फैक्टोरियल। अब देखें 100 फैक्टोरियल जो है वो 100 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 251 के टेबल से 102 को कैंसिल करेगा, और अगर अब हम 51 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे जी, 101 से, तो हमारा जवाब आता है 5151 पॉजिटिव साइन के साथ, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक बेस्ट ऑप्शन होगा।